अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद मंदिर परिसर में 20 दिसंबर से मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोबाइल लेकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और फोटो और सेल्फी के साथ रील्स भी बना रहे हैं। महाकाल मंदिर में मोबाइल प्रतिबंधित के बाद भी श्रद्धालु मोबाइल लेकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। करीब 4 माह पहले मोबाइल पर लगे प्रतिबंध के बाद कई श्रद्धालु मोबाइल अपने साथ मंदिर में ले आए। दर्शन के बाद मंदिर परिसर के जूना महाकाल मंदिर, निर्गम द्वार, गणेश मंदिर के समीप कई महिला और पुरुष श्रद्धालु मोबाइल के साथ दिखाई दिए। ये सभी श्रद्धालु मोबाइल से फोटोग्राफी के साथ साथ प्रतिबंधित रील्स भी बना रहे हैं। हालांकि ये लोग मोबाइल मंदिर के अंदर कैसे लाए ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन मंदिर में मोबाइल के साथ भक्तों के प्रवेश करने पर सुरक्षा कर्मियों पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 दिसंबर 2022 को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के हुए बैठक में निर्णय लिया गया था कि 20 दिसंबर से मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय के बाद महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। महाकाल मंदिर में प्रवेश करने के 3 गेट पर मोबाइल रखने के लिए हाईटेक क्लॉक रूम बनाए गए हैं। भक्त मोबाइलों को काउंटर पर जमा कराने के बाद मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध के बाद भी कई श्रद्धालु चोरी छिपे अपना मोबाइल अंदर लाने में सफल हो जाते हैं और फिर फोटोग्राफी करने लगते हैं। देखिए, प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय कर लिया जा चुका है कि मोबाइल उपयोग प्रतिबंधित है। इसके द्वारा काफी साइनेजेस भी लगे हैं, मैसेज बोर्ड भी लगे हैं और मीडिया में लगातार आता है, और हमारे द्वारा जो यदि कोई टिकट लेता है तो उसमें भी उसको प्रदर्शित किया जाता है। मोबाइल रखने के लिए सभी जगह पर पूरी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात हमारी वहाँ पर चेकिंग होती है, और इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति मोबाइल लेके चले जाता है और उपयोग करता है तो उस पर हम 200 रुपये का प्रबंध समिति का निर्णय है, उसका हम जुर्माना भी रिपीट करते हैं।